बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान में सिविल कोर्ट के जज के प्यून को अपराधियों ने मारी गोली। मौत के बाद मृतक के परिजनों ने शव को लेकर सदर अस्पताल रोड को कर दिया है जाम। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छोटपुर के पास का है, जहां महादेवा थाना के रहने वाले राकेश कुमार उर्फ गोल्डन को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दिया है। ऐसा मृतक के परिजनों का कहा है कि गोली मारी गई है, हालांकि मौत गोली लगने से हुई है या फिर किसी अन्य कारण से पुलिस इसकी पुष्टि अभी नहीं कर पा रही है। बताया जा रहा है कि गोली उस वक्त मारी गई जब गोल्डन अपनी बहन को लेकर कोचिंग से छोड़कर वापस लौट रहा था। बता दें कि गोल्डन अपनी बहन को लेकर कोचिंग गया था और जब वो लौट रहा था तभी गोली मारने की बात कही जा रही है। गोली लगने के बाद गोल्डन को सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद से ही परिजनों ने शव को सदर अस्पताल के सामने ही सड़क पर रखकर बवाल करने लगे और एसपी को बुलाए जाने की भी लगातार मांग की जा रही है। आपको बता दें कि जो परिजन है वो लगातार आपको बता दें कि नाराज हैं और सिवान प्रशासन पे लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिवान प्रशासन की गलती के कारण ही लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। हालांकि सिवान नगर थाना प्रभारी सुदर्शन राम सराय ओपी पर थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार लोगों को समझा बुझा कर सड़क को खाली कराने में लगे हैं। वही मृतक के परिजनों ने क्या कुछ कहा सुनिए। ये तो अपने बहन को कॉलेज ले जा रहा था, उसी क्रम में इसकी हत्या हुई है। ये टारवा में हत्या हुई है, छोटपुर के पास इसकी हत्या हुई है। हम लोग शेड्यूल कास्ट से आते हैं, एस सी एस टी है, इसलिए हमारी हम लोग अपन अपने नहीं दे रहे हैं, आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। जितने फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं हमें बढ़ने नहीं देते हैं। ऐसे ही हम लोग दबे हुए हैं ही, और हम लोग दबे हुए से ऊपर बढ़ना चाहते, बढ़ने नहीं देते हैं। 7 से 8 घंटा लड़के डीजे वन किए पिए पीउन था। कैसा पुलिस प्रशासन है ये? और ये एडिशनल जज के पास, डिस्ट्रिक्ट जज के पास ये पीउन पर्सनल चपरासी का काम करता था, और जैसे ही ये घर से 10 बजे करीब निकला सुबह में, तो अपने बहन को कॉलेज छोड़ने के लिए गया था, और छोड़ करके कॉलेज जैसे ही वापस आया छोटपुर के तरफ से, तो पीछे के तरफ से 3 बदमाश ऐसे ही कुछ हमको ऐसे, मैं शंका व्यक्त कर रहा हूँ कि 3-4 बदमाश बाइक पर बैठ करके और इसको 3-4 गोली मार दिया सब। अभी तक एसपी साहब और डीएम साहब बैठे हुए हैं और 7 से 8 घंटा हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। बताइए ये कैसा शासन है, प्रशासन है? कोई चिंता नहीं है, कोई ये नहीं है मन में कि क्या कार्रवाई किया जाए क्या नहीं कार्रवाई किया जाए। हम लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द डॉक्टर जो प्रशासन जो है, ये जैसा देख रहे हैं आप सदर अस्पताल सिवान जो है, ये बिल्कुल उस समय से बैठा हुआ है और ये मर्डर केस को ये जो है एक्सीडेंटल केस बना करके रफा दफा करने की कोशिश किया जा रहा है। बताइए, हम लोग यही चाहते हैं कि एसपी साहब आइए, और एसपी साहब जब तक आश्वासन नहीं देंगे तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। हाँ, प्रशासन यही कह रहा है बार बार कि एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, उनका क्या नाम था? उनके पिता का क्या नाम था? कहाँ घर है उनका? ड्यूटी कहाँ करते? अरे भैया वो बोलते रहे, एक मिनट,